नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएम अपो न्यूज। आज बैठे गंगवा गांव में और गांव की बात करेंगे, गांव के माहौल की बात करेंगे और गांव की जो जन समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है और उसके समाधान के लिए एक सरकार बनती है, गांव की सरकार। पंचायती राज संस्था के अंदर गांव का सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, पंच है और जिले लेवल पे जिला पार्षद बनते हैं और आज उसी विषय पे परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो मेहमान बैठे हैं, विश्वजीत जी जो गंगवा से हैं और विजयपाल जी जो गंगवा से हैं, एक बार नाम बता दीजिए। उमेश सिंह। हाँ जी। महावीर जी। ओम प्रकाश। ये तमाम जो ग्रामीण पीछे भी बैठे हैं, एक बार आवाज़ दे कर। सतपाल सिंह। ये तमाम ग्रामीण गंगवा गाँव से हैं और आज जो हमारा जो कार्यक्रम है गांव की सरकार, पंचायती राज उम्मीदवार आपके द्वार, तो आज हमारे साथ में जो मेहमान बैठे हुए हैं विश्वजीत जी, जो कि सरपंच उम्मीदवार भी अपने आप को बता रहे हैं कि सरपंच का चुनाव लड़ेंगे और तमाम बातें करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपका भी गांव में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और पीएमएफ न्यूज़ जो गांव की सरकार के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है, कैसे सरकार अन्याय कर रही है, ये चुनाव ना करा के उसकी आवाज़ उठाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे गांव में आए उसके लिए आपका बहुत स्वागत। तो विश्वजीत जी चर्चा करेंगे गाँव की, गंगवा गाँव में अभी बैठे हैं और गंगवा गाँव ऐसा गाँव है जहाँ से हरियाणा सरकार के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है रणवीर गंगवा, उनका भी गांव है और गांव के इतनी बड़ी सरकार में हाथ होने के बावजूद भी आप क्या मानते हैं कि जो जन समस्याएं हैं गांव के अंदर उनका समाधान क्यों नहीं हो पाया और जो पिछली पंचायतें हैं वो भी क्यों नहीं कर पाई? भाई साहब, कुछ तो ये दो सालों से जो एक गांव की सरकार होती है, अपने आम जनता की ये सरकार होती है, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, इनका चुनाव न होना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। गांव का विकास तो सिर्फ यही सरकार करा सकती है, ना कि कोई बड़ी सरकार करा सकती है। ये चुनाव न होना, गांव में बहुत समस्याएं ऐसी है जो उनका समाधान नहीं कर पा रही। गांव के लोग ग्रामीण अनपढ़ और सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी समस्या होती है तो वो सरपंच के पास लेके जाते हैं और गाँव में सरपंच है ही नहीं, वो समस्या कहाँ लेके जाएँ अपनी, और बड़े नेताओं तक आम गाँव के लोगों की पहुँच नहीं हो सकती, तो इसलिए गाँव की समस्या का समाधान हो नहीं सकता जब तक गाँव की सरकार नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो मुद्दा है पंचायती राज के अंदर गांव की सरकार, यानी कि गांव का सरपंच जो कि मुखिया होता है गांव का और जो विकास की बागडोर उसके हाथ में होती है और जो छोटी छोटी जन समस्याएं होते हैं ग्रामीण सीधा सरपंच को पकड़ते हैं, पंच के पास जाते हैं, पंच लेवल पे जो वार्ड लेवल पे ग्रामीण जाते हैं, वार्ड लेवल पे समस्या का समाधान, गांव लेवल पे सरपंच के पास जाते हैं। और दो साल हरियाणा के अंदर पंचायती राज चुनाव न होने की वजह से बहुत सारी ऐसी जन समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पाया है और ग्रामीण बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य ये है कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द पंचायती राज चुनाव करवाए जिसकी वजह से जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। बजट की बात करें तो दो साल का जो बजट गांव के विकास में, गली नालियों में या अन्य स्थानों पर लगना चाहिए था वो तो लगा ही नहीं होगा। नहीं, कहाँ लगा भाई साहब, कोई काम ही नहीं हो रहा। हमें तो ये नहीं पता कि क्या करा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब से कुछ पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, गांव में क्या होता है क्या नहीं होता, अगर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पास ग्रांट नहीं है, पीछे से अब नए इलेक्शन होंगे, सरपंच बनेगा तभी विकास होगा। तो बिल्कुल काम रुका पड़ा है, सारा गांव बिल्कुल बंद हो गया, जाम हो गया है, कोई भी समस्या वो नहीं हो रही। अब आपको मैं बताता हूँ, सरपंच ना होने के कारण इतने केस हो गए, लड़ाई झगड़े के। एक गाँव का सरपंच होता है ना तो वो एक न्यायपालिका की तरह होता है, गांव के छोटे मोटे झगड़े किसी के, उसका भी समाधान गांव का सरपंच करता है। सरपंच ना होने के कारण गांव के ये छोटे छोटे झगड़े भी अब अदालतों में जाने लगे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है गांव को। तो गांव की सरकार का एक खामियाजा सामने जो आया है, ग्रामीण स्तर पे जो समझौते होते हैं वो गांव का सरपंच करवाता है और बहुत सारे जो मुकदमे आपस में, जो मुकदमे और पुलिस थाने तक पहुंच जाते हैं मामले, वो गांव स्तर पे ही ग्रामीण सुलटा लेते हैं। लेकिन सरपंच ना होने के, जिम्मेवार व्यक्ति ना होने की वजह से, बेशर्ते कि दो सालों में जो पुलिस का भी जो कानून है उसके सामने भी बहुत सारे मामले बढ़े होंगे, अदालतों में मामले गए क्योंकि उनका समाधान नहीं हो पाए। तो ग्रामीण स्तर पे बात करेंगे हमें, तो अभी जो जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो किस तरह से ग्रामीण निदान कर पाते हैं या उन समस्याओं को लेकर के घूमते रहते हैं अधिकारियों तक, अधिकारी सुनते हैं क्या?
कोई नहीं सुनता भाई साहब। गांव के लोग जाते हैं पंचायत सेक्रेटरी से पास और हमारी समस्या सुने। सरपंच तो है नहीं, भूतपूर्व सरपंच के पुराने सरपंच के पास जाए तो वो तो यही कह देता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब तो ऊपर सेक्रेटरी लेवल पे बात आ गई, सेक्रेटरी लेवल करेंगे। और सेक्रेटरी लेवल पहली बात तो मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो वो कोई सुनाई नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। जैसे आपको मैं बताऊँ, अभी लाल डोरा मुक्त करने का ये प्रोग्राम था और अब तक लाल डोरा मुक्त के भी कागज गाँव के बने नहीं है। इतने गांव के दुखी हो रहे हैं, किसी के आए हैं किसी के नहीं आए, लोग चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ हमारे गांव में सेक्रेटरी बैठता था वो आता ही नहीं। अच्छा। हाँ, जब भी जाते हैं शायद महीने में कभी एक बार आता है, तो गांव को पता नहीं आता कब है। और जब भी सेक्रेटरी से पूछते हैं तो बोलो नहीं अभी नहीं, अभी सेक्रेटरी चेंज हो गया, नया आएगा, ये आएगा, मतलब घुमाते रहते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में ये विश्वजीत जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं विजयपाल, इनसे भी बात करें। विजयपाल भाई, जो ग्रामीण स्तर की जो समस्याएं हैं, ग्रामीण जो जिसको सामना कर रहे हैं ग्राम पंचायतों के चुनाव न होने की वजह से, तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका अपने हमारे गांव में पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के जरिए अगर कुछ गाँव में सुधार हो सके तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सरकार से। अब जिस तरह गायों का मेड़े वगैरह बंद कर रखे हैं, गौशाला खोलने के वादे कर रखे हैं, ये गायें जो जितनी दिख रही है आपको रोड के ऊपर, कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब गांव का कोई वारिश नहीं है, अगर पंचायत हो तो इसका समस्या का समाधान के लिए उन्होंने जगह भी दी हुई थी, गौशाला के लिए भी उपयोग रखा था, लेकिन अब 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक गाँव को नहीं बहुत से गाँव के लोगों को यह नुकसान होता है। रोड के ऊपर गायें बैठ जाती हैं, गौएं बैठ जाती हैं, रात को ट्रैफिक आते हैं तो अगर रोज एक्सीडेंट होता है, आप कहीं भी देख लो यहाँ से लेके पूरे गांव तक, रात को दूध निकालते हैं कॉलोनियों वाले, गायों को लठ मारते हैं और खेतों में चली जाती हैं, वो बेचारी तारों से छिल जाती हैं, उनमें किसका कसूर है ये बताओ मेरे को। गाँव के पालनहार नहीं हैं, गाँव के रक्षक नहीं हैं। अगर पंचायत हो, पंचायत एक तरह से जो नगर पालिका की अपनी समस्या है वो अपने आप हल कर लेते हैं, लेकिन गांव की समस्या तो एक सरपंच ही हल करता है। अगर सरपंच हो, मेंबर हो, तो इस समस्या का उन्हें पता है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जमींदारों की, रात को ड्यूटी देते हैं बेचारे और फसल का लास्ट में हाल ये हो जाता है कि काटते वक्त इन गायों के खुरों से चिपक जाती है जमीन के। अब सरकार ने बंद तो कर रखी है, ये गौशाला के लिए अनाउंसमेंट कर रखी है इन्होंने, सरपंच साहब ने, पिछले सरपंच साहब ने की थी आवासी ने, लेकिन अब बेचारा वो सरपंच ही नहीं रहे, अब को ना ही उनके पास कोई पावर है। अब जैसे ही कोई नई पंचायत आएगी तब जाके कहीं इनका निदान होगा। तो ये समस्या भी सामने आई है कि जो बेसहारा गाय, बेसहारा नहीं है उनका सारा तो है, लेकिन अपने लाभ के लिए दूध निकाला और रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, लोगों की दुर्घटना के लिए कारण बनने के लिए और लोगों की फसलें खराब करने के लिए। लेकिन गौशाला की बात अभी जो सामने आई विजयपाल से कि गांव गंगुआ में विजय प्रयास किए गए पिछली पंचायतों के कि गांव में एक गौशाला बने और जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से और ग्राम पंचायत के सहयोग से, लेकिन पंचायत न बनने के बीच जो कार्य था वो अदर में लटकने से भी ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन पशुओं से जो समस्याएं सामने आ रही है, रोड लगता है राजगढ़ रोड गंगुआ गांव से निकलता है जिसके अंदर बहुत सारे पशु रोड के ऊपर आपको शाम को सुबह को बैठे नज़र आते हैं, उस समस्या का भी निदान ग्राम स्तर पे पंचायतें कर सकती थी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान अब ग्रामीण जो है ये देख रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है पंचायती राज चुनाव करवाए। तो आज हमारे साथ में और भी जो बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है बिना सरपंच के? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे गांव में आए, हमारी समस्या सुनी। हमारी समस्या 2 साल से चुनाव ना होने के कारण बहुत बड़ी समस्या है। सरपंच या मेम्बर हो तो उसको शिकायत भी कर सकते हैं, उनको कह भी सकते हैं भाई ये काम करवाओ, लेकिन अब जाएं कहाँ, कोई पंचायत सेक्रेटरी सुनता नहीं और काम जो है सारा अधरे में पड़े है। और गाय की तो बहुत समस्या है, एक्सीडेंट भी होते हैं, खेतों में नुकसान भी करते हैं, तो फिर रुखाड़ी सारी रात रुखाड़ी करते हैं फिर भी खा जाते हैं। तो ये समस्या चुनाव होते ही थोड़ी बहुत
मेंबर सरपंच बनेंगे तो कुछ सुनेंगे। तो विश्वजीत जी जो बात करें ग्राम सरपंच, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ से सरपंच बनने की तैयारी कर रहे हैं और गंगवा गांव जो है जनरल में आ चुका है, इसमें जेंट्स लड़ सकता है, तो अभी बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, क्या युवा की जो नई सोच के साथ सामने आ रहे हैं? हाँ भाई साहब, की बार ये देखने को मिला है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो भी सब युवा हैं, हाँ तो गाँव में आपकी बार रुझान युवा की तरफ है, तो मैं चाहता हूँ युवा ही बदलाव कर सकते हैं और सभी युवा साथियों के लेकर मैं चाहता हूँ एक नई पंचायत, बढ़िया पंचायत बने जिसमें सभी युवा साथ मिलकर गांव को आगे बढ़ाएं और जो गांव की समस्याएं हैं उनको दूर की जाए। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, नालियाँ बंद पड़ी हैं, लोगों ने सीवर के कनेक्शन कर रखे हैं नालियों के अंदर, मोगे टूटे पड़े हैं, गाँव में जाने के लिए फसल का टाइम आ रहा है, जमींदार अपनी फसल लेके आ रहे हैं, बताओ मोगे ना होने के कारण उनको इतनी दुख हो रहा है, सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, उनके ट्रैक्टर हैं पलट जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, गांव पूरा इतना दुखी हो रहा है बरसाती पानी के कारण, बिजली की रात को कट लगते हैं 11 बजे 12 बजे किसको लेके जाएं। कई बार ग्रामीणों ने जो है बिजली बोर्ड जो बना हुआ है यहाँ उसमें तालाबंदी भी करने का काम किया था, तो आम युवा साथियों ने मिलके वहाँ किया था एक दो बार, लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि नहीं है गाँव का, सरपंच नहीं है, तो वो सुनाई नहीं करते, आम जनता की तो वो बिल्कुल सुनती नहीं है। अगर कोई सरपंच हो गांव का मेंबर, उन साथियों के लेके जाएं, उनके पास पावर भी होती है, अगर वो सुनाई ना करे तो कोई एप्लीकेशन बड़े अधिकारियों को दी जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जब तक कोई नेतृत्व नहीं है ना, नेतृत्व के बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता, तो ये नेतृत्व विहीन दो साल से जो सरकार चल रही है हमारी आम जनता की, इसके बिना कोई ही अफसर सुनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप चुनाव नहीं करवा सकते तो आप जो पुराने सरपंच हैं उनको टाइम बता दीजिए, 2-3 साल का टाइम बता दीजिए, जैसे आम जनता तो परेशान ना हो, जब भी आपको मौका मिले, जबकि आपके सारे काम हो जाए जब चुनाव करा दो, लेकिन जो पुराने से जो सरपंच है उनको टाइम दे दो आप 2 साल का, जैसे आप हम गांव होता था जहानगर अमरदीप, तो उनका क्या हुआ, 5 साल पूरे हो गए सरपंच के, फिर नगर निगम बनने के कारण सरपंच को 2 साल टाइम एक्स्ट्रा दे दिया गया, 7 साल सरपंची करी थी रामचंद्र ने, वैसे सरपंचों को अलग टाइम दे दिया जाए, 2 साल उन्हीं सरपंचों को आगे बढ़ा दिया जाए, हैं अगर चुनाव नहीं होते हैं तो मैं तो मुख्यमंत्री साहब से ये कहता हूँ कि जो पुराने सरपंच उनको आगे बढ़ा दिया जाए, जब चुनाव होंगे नई सरकार बना दी जाए, लेकिन ऐसे सरपंचों को हटा के, मेम्बरों को हटा के, जिला पार्षदों के पावर छीन के, ये जो अफसर हैं अफसरशाही हो चुकी है, तानाशाही हो चुकी है, पैसे खानों का काम हो रहा है, 2 साल से अरबों करोड़ों रुपये ये अफसर आम जनता के खा गए, आम जनता को पता ही नहीं है। एक छोटी सी, हाँ जी, छोटी सी समस्या है, गरीब लोगों, गरीब जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके साथ मजाक हो रहा है, मिड डे मील मिलता है, एक बार आप किसी अफसर से कह के दिखा के देखो, ये खा के देखो आप बैठ के, उन बच्चों को इतना मतलब गंदा खाना मिलता है, सरपंच और अगर मेंबर हों तो जाके पूछ सकते हैं, अब संभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनको जो मिलता है ना खाना बहुत ही मतलब खाने लायक ही नहीं होता। अब एक छोटा बच्चा है, पहली क्लास का बच्चा है, उसको चावल परोस के सीधे, वो मतलब चावल ही थर्ड क्लास के वो परोस के दे दिए, खाए किसके साथ, क्या डाला हुआ है उसमें, कौन सा दूध है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है उसमें, इससे तो बढ़िया घर से एक रोटी तो ले जा सकता था बच्चा, 2 रोटियां तो ले जा सकता है घर से, ना मिले तो सारा का सारा आप चेक करके आना, अभी स्कूल लगा हुआ है, मिड डे मील मिलेगा उनको, और किसी भी अफसर को कह दो कि 10 मिनट बैठ के खाओ इनके साथ, मैडमें या कोई जो एक दो अधिकारी होते हैं वो सारा सामान, सारे एक जैसे नहीं होते टीचर, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनका घर का खर राशन वहीं से जाता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मिड डे मील की भी जो बच्चों को खाना स्कूल के अंदर दिया जाता है, विजय पाल ने बताया कि उसमें भी खामियां हैं बहुत सारी, तो उस पर भी प्रशासन को, शासन को ध्यान देना चाहिए, और जो ग्रामीण हैं इनसे बातचीत, हमारे साथ और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, एक बार परिचय कराते हुए बता दीजिए कि जिन महावीर जी जिन समस्याओं का सामना ग्रामीण तबके पर करना पड़ रहा है, तो उनका निदान ग्राम पंचायतें बनने के बाद ही हो सकता है, और पंचायत ही कर सकती है, और हम जाएँ तो किसके पास जाएँ, अभी तो पंचायत जैसे नहीं है 2 साल से, अब नालियाँ टूट गई सारी, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और पानी भर जाए, अब किसके पास जाएं, सरकार तो करेगी नहीं, अब सर के पास जाएंगे तो बहुत सुनेंगे नहीं हमारी, अभी हमारी ये सड़क है इस पे पानी भरा हुआ है, कहाँ से जाएं, गड्ढे हो रहे हैं, जिस तरह नालियाँ अपनी सारी नालियाँ टूट रही है, रुकी हुई है नालियाँ, मिट्टी भर रही है, उनमें सफाई नहीं हो रही है, अगर सरपंच होता तो सारा काम होते, हम उनको कहते, मेंबर को कहते, सरपंच को कहते, तो हमारे काम होते।
और गांव में बहुत काम है ऐसे जो दो साल में और नए हुए हैं। अच्छा, अभी काम तो जैसे टूटे हुई सड़क तो बारिश आई है अब टूटेगी, रास्ते टूटेंगे, तो ये तो नया काम है जी। सरपंच ही कराएगा जो पंचायत होगी। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये परिचर्चा हमने गंगुआ गांव में की, और इस तरह से हमने कोई भी गांव हो जहां की जन समस्याएं हो, युवाओं को लेकर के, बुज़ुर्गों को लेकर के, इस तरह की परिचर्चाएं हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, और जिन समस्याओं की वजह से ग्रामीण परेशान है उन समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। और जो भी साथी कोई अपने गांव में जन समस्या है, कोई और है, कोई टैलेंट है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। गाँव की विशेषताएँ भी हैं, समस्याएँ हैं तो गाँव की विशेषताएँ हैं, वो विशेषताएँ भी हम दिखाने का प्रयास करें। और आज हमारे साथ जो लोग बार जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और बने रहिए पीएम अपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।